हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। हम इस वीडियो में स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या है उसके बारे में समझेंगे। अगर आपको फेज और न्यूट्रल के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज़ अ सिंगल फेज सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ अ थ्री फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम में एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, और थ्री फेज सिस्टम में दो टाइप हैं। एक थ्री फेज सिस्टम और एक थ्री फेज वन न्यूट्रल सिस्टम। इसको हम थ्री वायर सिस्टम कह सकते हैं और इसको फोर वायर सिस्टम कह सकते हैं। ओके, इसको कई लोग स्टार कनेक्शन भी कहते हैं और इसको डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आएगा स्टार कनेक्शन। अभी स्टार कनेक्शन का जो सिंबल है वो ऐसे है, ये इसका सिंबल है। अभी स्टार कनेक्शन का कनेक्शन कैसे होता है वो हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो तीन फेज ले लेते हैं, तीन वाइंडिंग बोल सकते हो। ये इसका स्टार्टिंग टर्मिनल, ये एंडिंग टर्मिनल, इसको बोल सकते हो आर फेज। ये वाई फेज, ये बी फेज। ये इसका स्टार्टिंग टर्मिनल, ये एंडिंग टर्मिनल, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग। अभी स्टार कनेक्शन कैसे बनेगा, जब आप तीनों का स्टार्टिंग टर्मिनल और तीनों का एंडिंग टर्मिनल दोनों में से एक एक साथ आप जोड़ दोगे। जैसे मैं यहाँ पे तीनों का स्टार्टिंग टर्मिनल जोड़ रहा हूँ और इसको मैं आउटपुट में ले लेता हूँ, तो ये जो मेरा कनेक्शन बना वो स्टार कनेक्शन हुआ और ये न्यूट्रल बनता है। ओके, ये जो कनेक्शन हुआ वो स्टार कनेक्शन है। अभी इसको हम दूसरी तरीके से समझते हैं। समझ लो ये अपना आर वाइंडिंग है, ये वाई वाइंडिंग है, ये बी वाइंडिंग है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। यहाँ मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, थ्री फेज सप्लाई। अभी यहाँ पे जो करंट जा रहा है ये, इसको लाइन करंट कहते हैं, और वाइंडिंग का अंदर का जो करंट होगा, वाइंडिंग का खुद का, उसको फेज करंट कहते हैं। ये जो लाइन करंट है इसको आप सप्लाई करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि वो सप्लाई से आ रहा है, पापा सप्लाई करंट, और ये फेज करंट। इस फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि जो करंट लाइन करंट है वही करंट वाइंडिंग में, मतलब फेज में, आर फेज में फ्लो हो रहा है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि हमारा जो लाइन करंट है वही हमारा फेज करंट है। ओके, जो हमारा लाइन करंट है वही फेज करंट है, और यहाँ पे वोल्टेज है वो अलग रहेगा। इसके एक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो वी फेज होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी एल है। ओके, तो ये जो वोल्टेज है वी एल वो दोनों वाइंडिंग के बीच का है, और ये फेज वोल्टेज है वो पर्टिकुलर एक वाइंडिंग के बीच का है। तो इसके अंदर जो लाइन वोल्टेज होगा उसका फॉर्मूला ये है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री फेज वोल्टेज। ये जो दो फॉर्मूला है वो खास याद रखना, ये पूरा डेरिवेशन है, इसलिए मैं अभी डेरिवेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये लाइन वोल्टेज चाहिए तो अंडर रूट थ्री इंटू कोई भी फेज वोल्टेज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, और स्टार कनेक्शन का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ अ यूज़, कि जब हमारी करंट की रिक्वायरमेंट कम होगी, लो करंट रिक्वायरमेंट, जब हमारी लो करंट की रिक्वायरमेंट होगी तब हम स्टार कनेक्शन यूज़ करते हैं। देखिए जो लाइन करंट है वही फेज करंट है,
तो जनरली कोई एक फेज का जो करंट होगा वो ऑब्वियसली नॉर्मल ही रहेगा, तो वो लाइन में से बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा। इसलिए जब लो करंट की रिक्वायरमेंट होगी तब हम स्टार कनेक्शन यूज़ करेंगे। अभी जो हमारा कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्शन है। अभी इसका जो सिंबल है वो ऐसा है, ओके। अभी डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए तीन फेज ले लेंगे हम, स्टार्टिंग टर्मिनल, एंडिंग टर्मिनल, स्टार्टिंग, एंडिंग, स्टार्टिंग, एंडिंग। अभी डेल्टा कनेक्शन कैसे बनता है, जब किसी भी एक वाइंडिंग का स्टार्टिंग आप दूसरे वाइंडिंग के एंडिंग के साथ जोड़ोगे तब डेल्टा कनेक्शन बनता है। समझ लो मैं पहले का जो स्टार्टिंग है दूसरे के एंडिंग के साथ जोड़ूंगा, दूसरे का जो स्टार्टिंग है वो तीसरे के एंडिंग के साथ जोड़ूंगा, और तीसरा का जो स्टार्टिंग है वो फर्स्ट के एंडिंग के साथ जोड़ूंगा, और यहाँ से मैं ये तीन वाइंडिंग बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये जो मेरा कनेक्शन हुआ वो डेल्टा कनेक्शन हुआ, ओके। अभी इसको अलग तरीके से समझते हैं। ये हमारा आर वाइंडिंग, वाई वाइंडिंग, बी वाइंडिंग, ओके। सिमिलरली मैंने बोला था यहाँ पे हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो करंट होगा वो लाइन करंट और सप्लाई करंट बोल सकते हो। इस वाइंडिंग में, वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो होगा उसको फेज करंट कहते हैं, ओके, IPH, फेज करंट। अभी आप देखोगे कि इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है यहाँ पे होगा उसको हम बोलेंगे VL, ओके, लाइन वोल्टेज। अभी इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस में आ रहा है। इस ये जो वोल्टेज कौन सा है, वी फेज। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि वी फेज इक्वल टू वी एल, मतलब हमारा जो लाइन वोल्टेज है वही हमारा फेज वोल्टेज होगा, ओके। और इसके अंदर करंट का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो इसके अंदर जो करंट का फॉर्मूला है वो आई एल इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वी IPH रहेगा, ओके। अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका यूज़ क्या है। अभी इस फॉर्मूला से आप देखोगे कि हमारा जो लाइन वोल्टेज है वो अपना फेज वोल्टेज रहेगा, मतलब कि जब हमारी लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी तब हम डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं, ओके। अभी समझ लो कि मुझे स्टार और डेल्टा कनेक्शन एक और अलग तरह से समझना है। समझ लो मैं आपको ये छः टर्मिनल दे दूं, इसको मैं लिंक के साथ कनेक्ट कर दूं, इसको लिंक के साथ कनेक्ट कर दूं, ओके। और यहाँ पे मैं तीन वायर दे दूं, ये छः टर्मिनल थे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो इस दोनों को लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया, इस दोनों को लिंक के साथ कनेक्ट हुआ कर दिया। तो ये जो कनेक्शन हुआ इसको कौन सा कनेक्शन बोलेंगे, ये हमारा होगा स्टार कनेक्शन, क्योंकि हमने तीन टर्मिनल, कोई तीन टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। ये जो छः टर्मिनल है वो क्या है, ये जो वाइंडिंग के छः टर्मिनल होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये छः टर्मिनल है। वैसे ही डेल्टा कनेक्शन कैसे रहेगा, जैसे ये लिंक के साथ कनेक्ट कर दूँ, ये लिंक के साथ कनेक्ट कर दूँ, ओके, ये 1 2 3 4 5 6। तो एक का स्टार्टिंग दूसरे के एंडिंग के साथ, एक का स्टार्टिंग दूसरे के एंडिंग के साथ, एक का स्टार्टिंग दूसरे के एंडिंग के साथ। अभी हमें पता नहीं है कि कौन से वाइंडिंग का कौन सा स्टार्टिंग है, लेकिन अगर ऐसा किसी मोटर में दिखाई दे, जनरली ये मोटर में होता है, मोटर का टर्मिनल बॉक्स आप खोलोगे तब आपको दिखाई देता है। अभी मोटर क्या है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर लिंक के थ्रू तीन टर्मिनल शॉर्ट किए गए हो तो स्टार कनेक्शन है, और ऐसे कनेक्शन किया गया हो दो दो टर्मिनल साथ में तो ये डेल्टा कनेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।